खबर है मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के डालमपाड़ा इलाके की, जहां गृह कलेश के चलते एक युवक ने खुद को आग लगा ली। आपको बता दें कि सचिन नाम के युवक का अपनी पत्नी और अपने भाई से पिछले काफी समय से झगड़ा चल रहा था। 3 दिन पहले भी झगड़ा काफी हद तक बढ़ गया था, जिसके बाद वह डिप्रेशन में आ गया और उसने आग लगा ली और वह अपने घर की खिड़की से कूद गया। आग लगाने के कारण 2 मकानों से भीषण धुआं निकलने लगा। आसपास के इलाके में धुआं देखकर सनसनी फैल गई। वहीं इलाके के लोगों ने छत से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, जहां दमकल और पुलिस के अधिकारी अब जांच में जुटे हैं। भैया क्या नाम है आपका? ये नाम है पुलिस शर्मा। आज क्या हुआ भैया आपके घर में? भैया ये ऐसा हुआ, हमारा भाई है, सगा भाई हो, हमारे से कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज का। तो इसने क्या करा, ये बाहर ड्रामे कर रहा था 2 दिन पहले भी, पता नहीं कौन सा नशा करता है, ये खांसी का सिरप वगैरह कुछ भी है चाहे। तो मोहल्ले वालों ने कही इसे अंदर को ले जाओ। हमने कहा अंदर क्यों, भैया हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मोहल्ले वालों ने कही जबरदस्ती इसे ले जाओ। हमने ले आके गैलरी में पटक दिया, लेकिन रात 11:45 2 बजे रात के ये अपने कमरे में चला गया अपने आप और लेट गया। अब पूरे दिन 24 घंटे तक कमरे में ही रहा, हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो घरवाली अपने घर पर गई हुई है, वो बदजलन हो रहा था। फिर हमने क्या करा जी, हम आज लेटे थे कमरे में, हमने कल इसके कमरे में देखा जाकर कुंडी लगी हुई थी। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ भैया कि हम अपने कमरे में अपने सो रहे थे। क्या बजे? ये तकरीबन 9:30 जो भी बज रहे होंगे। तो हमने मोहल्ले वालों खूब घंटियाँ बजाई और किवाड़ थड़थड़ाए। तो हम नीचे गए, वक्त देखा तो यहाँ पर आपकी लपटें दिखाई देती हैं हमें। तो नीचे अपने बच्चों को लेकर भगे, ये हुआ हुई। और वो बड़ा भैया कमरे में से कूद के नीचे, वो तो नीचे कूद गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सचिन शर्मा और उसकी घरवाली का नाम है पूनम शर्मा। भाई कैसे लगी आग? वही बताएगा भैया, उनने क्या करा है या क्या हुआ है उसे पता है, मुझे नहीं पता। ये हुआ भैया। घर किसका है? ये घर भैया हमारे स्वर्गीय पिताजी का है, श्री जगदीश शरण शर्मा जी का। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।